नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। टोटल टीवी देख रहे हैं आप। और हरियाणा विधानसभा के बजट के सत्र से पहले पहले दिन सदन में पहले सत्र से लेकर इस सत्र की अवधि के दौरान दिवंगत हुए हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, भूतपूर्व राज्य मंत्री, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त की गई। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा में सोमवार को शुरू हुए बजट सत्र के पहले दिन सदन में पिछले सत्र से लेकर इस सत्र की अवधि के दौरान हरियाणा के दिवंगत भूतपूर्व मंत्री, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, भूतपूर्व राज्य मंत्री, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए। सबसे पहले सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शोक प्रस्ताव पढ़कर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष ने शोक संतप्त परिवारों को सदन की भावनाओं से अवगत कराने का आश्वासन दिया। सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। सदन में जिनके शोक प्रस्ताव पढ़े गए उनमें हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री जगदीश नेहरा, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष वेदपाल, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री धर्मवीर गाबा, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य भगवान सहाय रावत और चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल शामिल हैं। सदन में जिला फरीदाबाद के गांव मच्छगर के स्वतंत्रता सेनानी जगराम के 24 जनवरी 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट किया गया। सदन में अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हरियाणा के 12 वीर शहीदों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। इसके अलावा सदन में विधायक नीरज शर्मा के मामा ओम प्रकाश कौशिक और विधायक दीपक मंगला की माता प्रेमवती मंगला और विधायक नरेंद्र गुप्ता के चाचा सुरेश चंद्र गुप्ता के दुखद निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त किया गया। आपको बता दें कि 23 फरवरी को हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल खुद हरियाणा सरकार का बजट पेश करेंगे। हरियाणा की जनता के लिए मनोहर लाल के पिटारे से क्या कुछ निकलता है, ये देखना होगा। अनिल कुमार, टोटल टीवी, चंडीगढ़।